गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज अ वीडियो पार्ट टू। स्टूडेंट्स वीडियो पार्ट वन में हम पढ़ रहे थे क्लास सेवंथ का चैप्टर 13 किंग सोलोमन्स जस्टिस, सोलोमन राजा का न्याय। और हमने वीडियो पार्ट में डिस्कस किया था सीन वन, जिसमें हमने दो औरतों की कहानी और बच्चों की कहानी डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीन टू, क्लास सेवंथ का चैप्टर 13 किंग सोलोमन्स जस्टिस का सीन टू। लेट अस स्टार्ट गाइस। किंग सोलोमन एंड द क्वीन ऑफ शेबा आर सीटेड ऑन द थ्रोन। अब सीन टू में क्या होता है, जो सोलोमन राजा है और जो क्वीन ऑफ शेबा है वो सिंहासन पर विराजमान है। अराउंड देम सीटिंग आर सम ऑफिशियल्स ऑफ द कोर्ट, और उनके आसपास जो दरबार के राजदरबारी है वो बैठे हुए हैं। थ्री मेड्स आर स्टैंडिंग अराउंड द क्वीन एंड फैनिंग हर, तीन जो दासिया है रानी की, जो दासिया है उनके पास खड़ी है तीन, और उन्हें क्या कर रही है, फैन झोल रही है, पंखा कर रही है, फैनिंग कर रही है। सोलोमन, मे आई वेलकम यू इन टू माई किंगडम एंड इन टू माई कोर्ट, आई होप यू हैड ए प्लीजेंट जर्नी। तो सोलोमन जो राजा वो कहते हैं कि मैं आपका इस दरबार में और इस राज्य में स्वागत करता हूं, और मुझे आशा है कि आपकी एक सुख यात्रा होगी। क्वीन, थैंक यू माई लॉर्ड, धन्यवाद मेरे भगवान, आई एम डिलाइटेड टू बी इन योर कंपनी, और मैं आपकी जो कंपनी है, आपके जो साथ है उसमें मैं खुश हूँ। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट योर विजडम दैट आई डिसाइडेड टू विजिट यू एंड सी इट फॉर मायसेल्फ। कहते हैं मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, और इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं स्वयं आऊंगी और आपसे मिलूंगी। सोलोमन, हाउ डू यू फाइंड माई पैलेस एंड द सिटी ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम कहते हैं कि सोलोमन राजा कहते हैं कि आपको मेरी जो प्लेस है, मेरा महल है, कैसा लगा, और जो मेरी जो सिटी है, जो मेरा ये सिटी है जेरूसलम, सेलम, ये कैसी लगी। क्वीन, आई नेवर इमेजिन दैट यू कुड बिल्ड सच अ वंडरफुल प्लेसेस एंड सिटीज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपने इतनी वंडरफुल महल, इतनी सुंदर जो है सिटीज का निर्माण किया होगा। इट इज रियली इंचेंटिंग, ये वास्तव में क्या है, मंत्रमुग्ध करने वाली बात है, मंत्रमुग्ध करती है। एंचेंट का मतलब होता है आकर्षित करती है, मंत्रमुग्ध करती है। आई एम वंडरस्टक एट द ब्यूटी एंड ग्रैंडियर ऑफ योर पैलेस। कहते हैं मैं जो है आपकी इस पैलेस की, इस महल की सुंदरता से और शानदार जिस तरीके से बनाया गया है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। इट इज ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, ये सच में सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्वींस मेड, मे आई इंटरप्ट माय लॉर्ड, वी हैव हर्ड दैट गॉड हैड ग्रांटेड यू अ स्पेशल फेवर बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फॉल्स। तो जो राजकुमारी की दासी है वो बीच में कहती है, क्या मुझे बीच में इंटरप्ट करने के, बीच में बोलने की अनुमति है। मैंने सुना है कि भगवान ने आपको कुछ एक स्पेशल पावर दी है, स्पेशल फेवर दी है, स्पेशल सेंस दी है, जिसके द्वारा आप बता सकते हो कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या सच है, क्या झूठ है ना। द क्वीन इज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग दिस गिफ्ट ऑफ योर्स, जो रानी है वो इस चीज में इंटरेस्ट ले रही है कि वो आपका टेस्ट ले, जो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, इस चीज को चेक करे कि यह बात सही है या नहीं। सोलोमन, मे द लॉर्ड बी प्रेज, कहते भगवान की स्तुति की जाए, भगवान की जय हो। आई एम हिज हम्बल सर्वेंट, मैं भगवान का क्या हूँ, एक हम्बल विनम्र क्या हूँ, नौकर हूँ या सेवक हूँ। द क्वीन मे आस्क मी एनी क्वेश्चन, जो रानी है मुझसे कोई भी प्रश्न है पूछ सकती है। क्वीन, डू यू सी द थ्री मेड्स हु स्टैंड अराउंड मी, ऑल द थ्री वियर एग्जैक्टली द सेम टाइप ऑफ फ्लावर्स, व्हाइल द थर्ड वन वियर्स एन आर्टिफिशियल फ्लावर, कैन यू माई लॉर्ड टेल मी Without going near to them, which made viewers the artificial flower? तो रानी कहती है कि आप देखती है कि मेरे आसपास ये तीन दासियां खड़ी हैं, ठीक है, और तीनों ने क्या 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 हुआ, exactly same type के क्या क्या flowers पहने हुए हैं, flowers लगाए हुए हैं, जिनमें से दो के पास तो जो है एक जो है real flowers है, लेकिन एक तीसरी के पास एक artificial flower है। क्या आप बता सकते हो कि किस maid ने क्या artificial flower लगाया हुआ है बिना उसके पास जाकर। तो ये क्वीन जो है राजा का टेस्ट लेना चाहती है कि आप तीन में से दो ने, दो दासियों ने रियल फ्लावर पहने हुए हैं, लगा रखे हैं, लेकिन एक के पास जो है आर्टिफिशियल फ्लावर है। तो ये राजा को जज करना है कि कौन सी दासी के पास आर्टिफिशियल फ्लावर है बिना उसके पास जाए। सोलोमन, यू हैव पुट अ हार्ड पजल टू मी, अरे ये तो आपने एक कठिन कार्य मुझे दे दिया। ऑल द थ्री फ्लावर्स ऑन देयर हेड्स लुक सो रियल एंड सो अलाइक दैट इट इज डिफिकल्ट टू से व्हिच इज रियल एंड व्हिच इज नॉट। तो राजा कहते हैं कि जो तीनों दासी है, तीनों ने एक जैसे रियल लग रहे हैं फ्लावर्स पहने हुए हैं और सेम सेम है, और ये पहचानना मुश्किल है कि किसने रियल पहना हुआ और किसने नहीं। देयर फ्रेग्रेंस हैज फिल्ड द रूम, उनकी खुशबू ने, फूलों की खुशबू ने
इस रूम को भर दिया, इस रूम में उनकी खुशबू है. क्वीन, आई नो दिस इज अ हार्ड पजल एंड दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू दिस. कहते मैं जानती हूँ कि एक मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने आपको इस काम को करने के लिए कहा है. इफ यू कैन सोल्व दिस देन आई नो फॉर सर्टेन दैट यू आर द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ. अगर आप इसको सोल्व कर सकते हो तो मैं जान जाऊं कि आप इस धरती में सबसे बुद्धिमान हो. आई हैव मैनी लर्न स्कॉलर्स इन माई किंगडम बट नन ऑफ देम कुड सॉल्व इट. कहते मेरे दरबार में भी ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं, बहुत से ज्ञानी हैं, लेकिन कोई भी इसको सोल्व नहीं कर पाया, इस पजल को सोल्व नहीं कर पाया. सोलोमन, ओपन द विंडोज ऑफ द रूम लेट सम फ्रेश एयर कम. राजा कहते हैं कि जो कमरे की जो विंडोज है, खिड़की है, उसको खोल दी जाए और फ्रेश एयर को आने दिया जाए. द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स ब्रॉट बीज इन टू द रूम, दे बिगिन टू फ्लाई ओवर द रियल फ्लावर्स एंड सोलोमन नोटिस इट. जो फूलों की खुशबू है, उस फूलों की खुशबू से क्या हुआ, जो मधुमक्खी है वो कमरे में आ गई और वो क्या करने लगी, जो वास्तविक फूल थे, रियल फ्लावर्स थे, उनके आसपास मंडराने लगी मधुमक्खियां. और इस बात को राजा सोलोमन ने ध्यान दिया. योर पजल इज सॉल्व. द वुमन इन द मिडल फियर्स द आर्टिफिशियल फ्लावर्स, द अदर टू वुमन हैव रियल फ्लावर्स. तो कहता है कि जो आपकी पहेली है वो सॉल्व हो चुकी है. कहते जो औरत मिडल में खड़ी है, उसने क्या आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए अपने पास, और जो दूसरी दोनों औरतें उनके पास क्या है, रियल है. क्वीन सरप्राइज्ड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. जो क्वीन है वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाती है और कहते हैं कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं. इट इज इंडीड वंडरफुल, बिल्कुल सच है, बिल्कुल एक आश्चर्य की बात है. हाउ डिड यू सॉल्व इट माय लॉर्ड, आपने कैसे इस पहेली को सुलझा लिया मेरे भगवान. आई थॉट नो मैन कुड सॉल्व दिस पजल, मैंने सोचा था कि कोई भी व्यक्ति इसको सॉल्व नहीं कर सकता. टेल मी हाउ डिड यू फाइंड आउट द रियल फ्लावर्स, कैसे बताइए आपने इसको रियल फ्लावर्स को ढूंढा. सोलोमन, इट वॉज वेरी इजी. As the fresh air began to blow into the room, the fragrance of real flowers attracted bees. Soon I found some of them flying around the real flowers and then it was easy to find out who had the real flowers. So Raja Solomon कहते हैं कि बहुत आसान था. कहते हैं जैसे ही मैंने fresh air के लिए मतलब window खोली, तो उस fresh air के साथ क्या हुआ कि जो मधुमक्खियां हैं वो आने लगी, और मधुमक्खियां जो है किस पर आकर्षित हुई, तो real flowers की जो खुशबू है उन पर आने लगी. और ये चीज मेरे को नोटिस करी और उससे जल्दी मुझे पता चल गया कि कौन सा फ्लावर रियल है और कौन सा जो है आर्टिफिशियल है. और ये बहुत ही आसान था मेरे लिए ढूंढना कि वास्तविक फ्लावर्स कौन से हैं. क्वीन, ग्रेट इज योर विजडम, आपकी बुद्धि महान है. ट्रूली यू आर द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ, सच में आप धरती के, पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो. सोलोमन, मे यर बी प्रेज. यार मतलब कोड, जो ज्यूस लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, यव का मतलब गॉड, भगवान की स्तुति की जाए. आई एम ओनली सर्वेंट, मैं सिर्फ उनका एक सेवक हूँ. आई थिंक गाइस आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे.